पावर पॉइंट में पेन टैबलेट से कैसे लिखना है ये हम एक वीडियो में पहले ही देख चुके हैं, लेकिन क्या हम पावर पॉइंट स्लाइड शो में भी ऐसा कर सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? हाय, माय नेम इज निधि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम पेन टैबलेट से पावर पॉइंट स्लाइड शो में लिख सकते हैं, इसके लिए इंकिंग टूल्स कैसे सिलेक्ट करना है, पेन साइज कैसे सेट करना है, हाईलाइट और डिलीट कैसे करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो ऑन करते हैं तो उसमें जो पेन का साइज है उसको हमें कैसे सेट करना है, वील सी हियर। पहले हमने क्या किया है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन अप कर लिया है। अब यहाँ हमको पहले साइज सिलेक्ट करना है, तो इंकिंग टूल्स एक्टिवेट करने होंगे। तो हम कहाँ जाएंगे, वील गो टू द रिव्यू ऑप्शन, और रिव्यू ऑप्शन में हम जाएंगे स्टार्ट इंकिंग में। स्टार्ट इंकिंग में आप यहाँ जाएंगे बॉल पॉइंट पेन ऑप्शन, और उसके बगल में ये जो वेट है यहाँ पे हम इसका साइज सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट वील चेक इज इट वर्किंग और नॉट, यस इट इज, इसको हम करते हैं डिलीट। अब हम जाते हैं प्रेजेंटेशन मोड में, स्लाइड शो में, तो यहाँ हम करेंगे स्लाइड शो और फ्रॉम बिगनिंग। ये हमारा स्लाइड शो मोड ओपन हो गया है यहाँ पर। अब यदि हमको यहाँ पे कुछ लिखना है तो अभी हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम टच करेंगे स्क्रीन पे तो ये हमारा पेज डाउन ऑप्शन सिलेक्ट होगा यहाँ पे। अब क्या करना होगा उसके लिए, यहाँ लेफ्ट में आप देखेंगे नीचे आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे, दो हैं आपकी नेविगेशन कीज, मेन्यू ऑप्शन और पेन ऑप्शन। तो पेन ऑप्शन जब आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा एरो मोड ऑन है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख पा रहे हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे, पहले बॉल पॉइंट पेन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एंड देन यू कैन सी इफ इट इज वर्किंग और नॉट। क्योंकि मेरा यहाँ पे कलर पहले से ब्लू सिलेक्टेड है, इसलिए ये ब्लू कलर आ रहा है। नाउ वील सी कि क्या हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। सो यस, यू हैव द इंक कलर ऑप्शन ओवर हियर। यहाँ आप जाएंगे और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ इफ यू वॉन्ट टू हाईलाइट सम पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, ये हाईलाइटर का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो कोई एक पॉइंट जो आपको हाईलाइट करके शो करना है तो इस तरह से आप इसको हाईलाइट करके बता सकते हैं। नाउ व्हेन यू वांट टू इरेज इट, तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आप कोई एक पर्टिकुलर जगह इरेज करना है तो आप इरेजर ऑप्शन यूज करेंगे इस तरह से। और यदि आपको जो भी आपने लिखा है स्लाइड पे वो सब इरेज करना है तो इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड, तो आपका कंप्लीट स्लाइड जो है वो क्लीन अप हो जाएगा। सो दीज वर सम डिफरेंट चेंजेस दैट यू कैन डू हियर। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।